पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाली घटना को अभी पंजाब के लोग भूले भी नहीं होंगे कि एक और सिंगर पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। इस खबर ने पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस सिंगर का नाम अल्फाज है। साथ ही बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह ने सिंगर अल्फाज की फोटो को शेयर कर ये दुख भरी खबर दी है। फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए हनी सिंह ने अल्फाज के हमलावरों को ढूंढ निकालने की बात कही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के प्रशंसक और बॉलीवुड के उभरते गायक अमनजोत सिंह उर्फ अल्फाज को खरड़ लांड्रा रोड पर शनिवार देर रात एक ढाबे के पास मिनी टेम्पो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अल्फाज करीब 10 फुट तक हवा में उछलकर नीचे आ गिरे। उनके रीढ़ की हड्डी के अलावा शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट लगी। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। अल्फाज के दोस्तों ने उन्हें फोर्टिस में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी विक्की निवासी रायपुर रानी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 12:30 बजे अल्फाज 5 दोस्तों के साथ पाल ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। तभी ढाबा के मालिक रोडा और कारिंदे विकी में किसी बात पर बहस होने लगी। विकी ने खाना खा रहे सिंगर अल्फाज से ढाबा मालिक की शिकायत की। अल्फाज ने ढाबा मालिक से मामला बातचीत से सुलझाने को कहा और बाहर आकर सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी विकी ने मिनी टेम्पो से अल्फाज को जोरदार टक्कर मार दी। अल्फाज गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि ढाबा मालिक और विकी में लेनदेन का विवाद था। उसे अल्फाज से मदद की उम्मीद थी, गुस्से में उसने ये हरकत की है। खरड़ लांड्रा रोड पर पाल ढाबे पर अल्फाज के साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को मशहूर रैपर हनी सिंह के ट्वीट के बाद मिली। हनी सिंह ने इस घटना को सोची समझी साजिश बताया तो सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के कमेंट आने शुरू हो गए। फैंस ने अल्फाज की सलामती की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। इसके बाद मोहाली पुलिस हरकत में आई। इसके बाद पुलिस ढाबे पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। देर रात आरोपी मिनी टेम्पो चालक विकी को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब पता लगा रही है कि ये महज एक हादसा है या अल्फाज पर हमला किया गया है। सुहाना पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी विकी पाल ढाबे पर काम करता है। ढाबा मालिक ने विकी की शराब की लत के चलते उसे निकाल दिया था। एडवांस पैसे विकी के पास होने के चलते उसकी मोटरसाइकिल अपने कब्जे में ले ली। विकी अपनी मोटरसाइकिल लेने अक्सर ढाबे पर आ जाता था। शनिवार को भी वो मोटरसाइकिल लेने आया तो ढाबा मालिक और उसमें मारपीट हो गई। उसने ढाबे पर खाना खा रहे सिंगर अल्फाज से मदद मांगी। अल्फाज ने ढाबा मालिक को बातचीत से मामला सुलझाने को कहा और बाहर आ गए। ये बात विकी को नागवार गुजरी। गुस्से में उसने मिनी टेम्पो उठाया और पूरी ताकत से सड़क किनारे खड़े अल्फाज पर चढ़ा दिया। अचानक लगी टक्कर से अल्फाज करीब 10 फुट तक हवा में उछले और धड़ाम से जमीन पर गिरे। इससे उनके सिर व रीढ़ की हड्डी के अलावा कई हिस्सों में चोटें आईं। उनके दोस्तों ने अल्फाज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। यह अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।